ये है आज की बड़ी अपडेट। जहाँ पर न्यूज निकल के आ रही है कि अफगानिस्तान का सबसे खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क जानिए क्यों बना भारत के लिए दुश्मन नंबर वन। जी हाँ, उस तक बता दे, तालिबान के कुछ शीर्ष नेता काबुल में एक नई अफगान सरकार के गठन पर चर्चा करने के लिए एकत्र हो रहे हैं, जिसमें हक्कानी नेटवर्क का एक प्रतिनिधि भी शामिल है। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं ये हक्कानी नेटवर्क है क्या। तो दोस्तों, आपको बता दें, हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है। यह पाकिस्तान से संचालित होता है। यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के दिशा निर्देश पर काम करता है। दोस्तों, तालिबान के इस संगठन का गठन जलाल उद्दीन हक्कानी ने किया था, जो 1980 के दशक में सोवियत विरोध का नायक बना था। उस समय वह अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA का करीबी था। पाकिस्तान ने इस मुजाहिदीन को हथियार और पैसा दिया था। उस संघर्ष के दौरान और सोवियत वापसी के बाद जलाल उद्दीन हक्कानी ने ओसामा बिन लादिन सहित विदेशी जिहादियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। बाद में उसने तालिबान के साथ गठबंधन किया, जिसने 1996 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, हक्कानी नेटवर्क को पिछले दो दशकों के दौरान अफगानिस्तान में हुए कुछ सबसे घातक और सबसे चौंकाने वाले हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उसे अमेरिका द्वारा एक विदेशी आतंकी संगठन के रूप में नियमित किया गया है और वह संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के तहत भी नामित है। हक्कानी अक्सर आत्मघाती हमलावरों का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। कारों और ट्रकों में भारी मात्रा में विस्फोटक से भरे हुए ड्राइवरों के साथ सैन्य प्रतिष्ठानों और दूतावास को निशाना बनाकर सबसे घातक हमला करते हैं, जिससे काफ़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि कैसे हक्कानी नेटवर्क भारत का दुश्मन नंबर वन है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको तो बता दें कि ये आतंकी संगठन ISI के दिशा निर्देश पर काम करता है और ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जो एक आतंकवादी संगठन है। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी को भेजता रहता है ताकि वहाँ पे आतंक फैलाया जा सके। दोस्तों, इसी के साथ हाल ही के वर्ष में अफगानिस्तान में कुछ सबसे घातक आत्मघाती हमले के लिए हक्कानी को दोषी ठहराया गया है, जिसमें नागरिकों, सरकारी अधिकारियों और विदेशी बलों की मौत हुई है। उसने भारतीय हिंदुओं को भी निशाना बनाया था। अफगानिस्तान में जहाँ भी भारतीयों पर हमला हुए थे, उसमें हक्कानी नेटवर्क का नाम आया था। इसका आतंकी संगठन अलकायदा से भी करीबी संबंध है। हक्कानी नेटवर्क तालिबान और अलकायदा के बीच पुल का काम करता है। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि हक्कानी नेटवर्क को भारतीय लोग और भारतीय सरकार पसंद नहीं है और वो हमारे देश में अशांति फैला सकते हैं। दोस्तों, भारत की चिंता की बात इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हाल ही में ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि हक्कानी नेटवर्क के एक प्रतिनिधित्व को सरकार में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में अगर ये अफगानिस्तान की सरकार में शामिल हो जाते हैं तो ये डिसीजन ले पाएंगे और भारत में आतंकी हमला भी करवा सकते हैं। इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए और इनके हर एक गतिविधियों पर गौर से नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको न्यूज़ के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।